वेलकम बैक फ्रेंड्स, गैजेट टेक हेल्पर के इस नए एपिसोड में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है, GTA Vice City और San Andreas गेम्स काफ़ी पॉपुलर हैं और इन गेम्स को काफ़ी लोग खेलना पसंद भी करते हैं। पहले तो ये गेम्स लैपटॉप और PC में ही खेलना मुमकिन थे, लेकिन अब हम इनको अपने स्मार्टफोन में भी आराम से खेल सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि PC San Andreas गेम में आयरन मैन मूड कैसे एक्टिवेट करें। तो आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड्स, हमें इन तीन एप्लीकेशनों की ज़्यादा ज़रूरत है। पहली है CL4 सेटअप, दूसरा आयरन मैन मूड पैक एंड तीसरा इमेज एडिटर। तो चलिए CL4 सेटअप को सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। इस पर डबल क्लिक करके हमें इसे ओपन करना है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। हम ओके पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट। यहाँ पर हमें अपने गेम की लोकेशन को ओपन करना है। जैसा कि मेरे गेम की लोकेशन डेस्कटॉप पर है, आपकी गेम की लोकेशन जहाँ पर हो आप वहाँ पर जा कर के इसको सिलेक्ट कर लें। तो मेरी तो डेस्कटॉप पर है, तो मैं इसलिए डेस्कटॉप पर जाकर इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप पर गया और गेम की लोकेशन को ओपन कर लिया। अब हमें सिर्फ नेक्स्ट करना है और ये इंस्टॉल हो गया। हमें इसको फिनिश करना है। अब हमें अपना आयरन मैन मूड पैक को एक्स्ट्रा शेयर करना है। अब ये हो गया है। अब हमें अपने मूड को ओपन करना है, फोल्डर को ओपन करना है, आयरन मैन मूड के फोल्डर और रिलीज़ फोल्डर को ओपन करना है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक CL4 का सेटअप है और GTA San Andreas गेम में भी एक CL4 का सेटअप है। तो अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं, इन्हें कॉपी और पेस्ट करना है। तो हम आयरन मैन मूड पैक का CL4 सेटअप खोलते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और GTA San Andreas के CL4 में पेस्ट। यहाँ से इसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। CLU जो है वो टेस्ट में ही जाएगा, ये एक मेन बात है। जो जितने भी टेस्ट होंगे वो सब टेस्ट में ही जाएंगे। तो अब बैक करना है, ये फोल्डर का काम हो चुका है। अब जो ये GTA भी है, हमें इसको यहाँ से कॉपी करके अपने GTA San Andreas के फोल्डर में डालना है। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब मॉडल्स में जाना है, मॉडल्स की तीनों फाइलें सेलेक्ट करके GTA San Andreas के मॉडल में कॉपी करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो टेस्ट है वो टेस्ट में जाएंगे, इसलिए इस तीनों को यहाँ से कॉपी करते हैं और GTA San Andreas के मॉडल के टेस्ट में पेस्ट कर देते हैं। अब ये तो हो गया। अब जो हमारा मेन बचा वो है GTA Inside 3। तो अब हम इन सबको क्लोज़ कर दें और यहाँ से इमेज एडिटर को एक्स्ट्रा हेयर कर दें। अब हम इसको ओपन करते हैं और इसको ओपन। अब ये तो ये कुछ ऐसा है। तो हमें फाइल पे जाना है, ओपन करना है। यहाँ पे हमें अपने GTA San Andreas गेम की लोकेशन में जाना है। जैसे मेरा डेस्कटॉप पर है तो मैं वहाँ पर गया, इसको ओपन करा, मॉडल को ओपन करना है और ये जो GT3 है इसको यहाँ पर ओपन करना है। अभी आपको कुछ इस तरह दिखेगा। फिर हमें एक्शन में जाना है और इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट में हमें अपने आयरन मैन मूड पैक के इनसाइड GT3 वाले फोल्डर में जाना है। तो आयरन मैन रिलीज़ एंड इनसाइड GT3, हमें इन सबको सिलेक्ट ऑल करना है और इसको ओपन करना है। अब यहाँ से ओपन करने के बाद हमें इसे सेव करना है। सेव करने के बाद अब हम इन सबको क्लोज कर देते हैं। ये तीनों फाइलें आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्ले करते हैं गेम। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, मेरा गेम ओपन हो गया है। वैसे मेरा तो कोई लोड गेम है नहीं, तो इसलिए चलिए मैं आपको न्यू गेम करके ही दिखाता हूँ। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, गेम प्ले हो ही गया है। देखते हैं आयरन मैन मूड आया या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सिंपल ही है। तो फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने कीबोर्ड से आयरन मैन टाइप करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयरन मैन का सिंबल आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर तीन ग्रुप हैं, इसमें से आप कोई सा भी मॉडल आयरन मैन का सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ से आप कोई से भी जार्विस का मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी सिर्फ हमें एंटर करना है। जैसे भी आप देख सकते हैं, ये आयरन मैन बन चुका है और इसका साउंड भी बहुत ही स्मूथ वर्क कर रहा है। आप इसको लेने के बाद ऐसा नहीं कि आप कार नहीं ले सकते या एमओ नहीं चेंज कर सकते। आपको टैप प्लस कैप्स का इस्तेमाल करना है, जिससे आप एमओ चेंज कर सकते हैं। और उड़ाने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको स्विफ्ट दबाना है और स्विफ्ट के साथ सी दबाना है। दबाते ही उड़ने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आयरन मैन उड़ रहा है, बहुत ही स्मूथ वर्क कर रहा है।
अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसे उड़ेगा तो बेकार है, अगर आपको इससे भी अच्छा उड़ाना है तो हमें सिर्फ स्पेस बार दबाना है, फिर आप देख सकते हैं ये कितने स्मूथ रन कर रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि GTA San Andreas गेम में स्पाइडरमैन कैसे इंस्टॉल करें। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गैजेट टेक हेल्पर।